सो गाइज, अभी हम जाने वाले हैं वडोदरा टू अंकलेश्वर, और वहाँ पे मेरा मिनी फार्म भी है और वहाँ पे काफ़ी मज़े आने वाली है। सो आइए गाइज, चलते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं अंकलेश्वर आ गया हूँ। मतलब इंदौर से वडोदरा, वडोदरा से अंकलेश्वर, और गाइज काफ़ी अच्छा रहा। सो गाइज, यहाँ पे तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे, तो मैं आप सभी को वही दिखाऊंगा। और बहुत हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। वडोदरा में बहुत गर्मी थी तो, और यहाँ पे काफ़ी ठंडक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। सो आइए गाइज, आके और एक्सप्लोर करते हैं। और ये अपने वो ही एलोवेरा काफ़ी बड़े हो चुके हैं और काफ़ी बड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आगे आगे काफ़ी फूल है, ये आप देख सकते हैं, पर्पल कलर का है फूल, वाइट कलर का। ये रोज़ लगाए हैं और इसके बाजू में वाइट कलर का मोगरा है, और ऐसा सब है गाइस। और देखो आप ऊपर, मैं आप सभी को ऊपर से दिखाता हूँ। और गाइस सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये तुलसी थी, और अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये मिर्ची के पौधे हैं, देखो आप गाइस। देखो गाइस, ये हिबिस्कस है, और इसके बाजू में भी हिबिस्कस है, पर इसमें फ्लावर्स आ गए हैं ये वाले हिबिस्कस में। गाइस सच में यार गाइस बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये नीम का पौधा है, और ये पापड़ी है, पापड़ी ये काफ़ी अच्छी लगती है, इसकी सब्जी बनाओ तो। सो गाइज, और ये है ग्रीन टी, ये एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। बहुत ही अच्छी लगती है ये, अगर आप टेस्ट करो कोई चाय में डाल के ट्राई करो तो अच्छी लगती है। ये पपैया का पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं उगा है। और ये नीम है, नीम मैंने तो आपको दिखाई दी है। और गाइज चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे गमले में भी लगा रखे है काफ़ी सारे पौधे, और ये वाले गाइस फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। सो गाइस, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ये है सीताफल। गाइस आपने सही सुना गाइस, यहाँ पे हमने सीताफल भी उगाया, और यहाँ पे इसका एक पौधा भी बैठा है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है सीताफल गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं एक्साइटेड हूँ। और गाइस ये सबसे लंबा पेड़ है हमारे मिनी फार्म का। और गाइज ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पपैया है, ये बहुत बड़े हो चुके हैं, और इसमें से एक को हमें अभी निकालना भी है गाइज, उसका भी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा उसके बारे में भी। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा लगता है इसको देख के मुझे। और गाइज ये मैंगो का पेड़ है, कुछ खास उग नहीं पाया है, पर तब भी हमने इसे लगा के रखा है गाइज। और गाइज अब मतलब गाइज अब हम बहुत, सबसे अच्छी चीज़ बताओ तो हमारे घर पे ही नींबू उग रहा है गाइज। मतलब गाइस बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर पे ही नींबू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फल भी बैठे हैं नींबू के, देखा गाइस ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अगर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया है गाइस, ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और मैं एक्साइटेड हूँ कब ये अच्छे से पक जाए, और कब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ एकदम घर पर उगाए हुए नींबू। और ये दूसरा आम का पेड़ है इसके नीचे जो है, और ये तो उसके ऊपर नींबू का पेड़ ही है। वाह क्या सीन है। गाइज अगर आप इसे कचरा समझ रहे हो, गाइज ये कचरा नहीं है, ये वर्मी कंपोज है गाइज, इसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल देंगे, और ये कुछ दिनों में, मतलब कुछ महीनों में गाइज ये खातर बन जाएगी, ऑर्गेनिक खातर बन जाएगी, जो कि पेड़ पौधों को उगने में मदद करेगी। सो गाइज ये फार्म के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और यही सारी चीज़ें थी गाइज मुझे आपको दिखानी थी, और इस साइड तो मैंने आपको दिखा दिया। सो गाइज आज IPL के फाइनल होने वाले हैं, और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइज चल के देखते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। सो आइए गाइज चलते हैं।
और गाइज अभी मैं बाहर आया हूँ लाइव आईपीएल का फाइनल्स देखने और बड़ी स्क्रीन पे चल रहा है, सो आइए गाइज आके देखते हैं। बिल्कुल ऑडिशन है, ऑडिशन चलता रहेगा अगले कुछ मैचों में।